हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ किरण जांगिड़ एंड आई वेलकम यू ऑल एट इंजीनियर्स ग्रुप। सेकेंड यूनिट के दो लेक्चर्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, आप देख चुके होंगे। सेकेंड लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसमें हमने थ्री फेज सिस्टम पढ़ा, थ्री फेज डायग्राम, टू फेज डायग्राम के बारे में डिस्कस किया, एंड स्टार्टिंग की सिक्स प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर चुके थे, अप टू लास्ट हमारा जो एयर कंटेंट और उनमें आपस में क्या रिलेशन है वो हम डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करेंगे, दैट इज यूनिट वेट। सेवन्थ हमारी जो प्रॉपर्टी रहेगी दैट इज यूनिट वेट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम गामा से, एंड डेंसिटी की टर्म में भी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा आज के लेक्चर का। देन हम मूव करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी पर। लेकिन जो यूनिट वेट होता है, अब वो यूनिट वेट कई तरीके के यूनिट वेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट हम बात करते हैं बल्क यूनिट वेट की। बल्क यूनिट वेट, ठीक है, या फिर हम सिंपली एक बार यूनिट वेट और डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेट बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ वेट टू द वॉल्यूम, टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। मतलब गामा को हम क्या लिख सकते हैं कि सॉइल का वेट कितना है डिवाइडेड बाय सॉइल की वॉल्यूम कितनी। सिमिलरली अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रॉ से, सो इट विल बी द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम, मास से वॉल्यूम का। अगर हम वेट के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे गामा, दैट इज यूनिट वेट। लेकिन अगर हम मास की टर्म में बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे डेंसिटी, दैट इज रॉ, ठीक है। अब देखो, ये जो वेट है और ये जो मास है, उसको हम किस कंडीशन में रेफरेंस, किस कंडीशन में ले रहे हैं, उस बेसिस पर हमने अलग अलग टाइप के यूनिट वेट और अलग अलग टाइप की डेंसिटीज डिफाइन की है, ठीक है। अगर हम बात करें कि एग्जिस्टिंग कंडीशन की, कुछ भी एग्जिस्टिंग कंडीशन हो सकती है, पार्शियली सैचुरेटेड हो सकती है, सैचुरेटेड हो सकती है, या फिर ड्राई हो सकती है। तो एग्जिस्टिंग जो कंडीशन है उसमें अगर हम वेट्स को कंसिडर कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाला हम लोग टाइप डिफाइन करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिट वेट इज बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा बी से, और अगर बल्क डेंसिटी है तो उसको रॉ बी से, ठीक है। अब देखो ये क्या है, मैंने कहा एग्जिस्टिंग कंडीशन में, सो हाउ विल वी डिफाइन? इट इज द यूनिट वेट, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन, एग्जिस्टिंग कंडीशन, ठीक है। क्या होगा ये? गामा बी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन, इन एग्जिस्टिंग कंडीशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? बल्क यूनिट वेट हो गया। सिमिलरली आप बल्क डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं, गामा बी इज इक्वल्स टू मास इन एग्जिस्टिंग कंडीशन, एग्जिस्टिंग कंडीशन टू वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम में तो कोई वेरिएशन होना नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया? बल्क यूनिट वेट हो गया। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे? इट इज़ द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ वेट और मास, ठीक है, ऑफ सॉइल
टू सॉइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन, इन एग्जिस्टिंग कंडीशन टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब नेक्स्ट हम यूनिट वेट की अगर बात करें, सेकेंड, ये तो हो गया हमारा बल्क यूनिट वेट या बल्क डेंसिटी। नेक्स्ट सेकेंड, ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे गामा डी से, या फिर बल्क अगर हम डेंसिटी की बात करें ड्राई डेंसिटी के, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे गामा डी से। ठीक है, ये बेसिकली डिराइव यहीं से होना है। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे अपन इसको? इट इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन ड्राई स्टेट। अब ड्राई स्टेट का मतलब क्या है कि द रेशियो ऑफ ड्राई वेट ऑफ सॉइल टू ड्राई वेट ऑफ सॉइल, दैट इज डब्ल्यू डी, डब्ल्यू डी टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, गामा डी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, और अगर हमें डेंसिटी की टर्म में डिफाइन करना हो तो हम क्या लिखेंगे, गामा डी, सॉरी, रॉ डी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉइल इन ड्राई स्टेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, ये हमारी बात हो गई। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इफ सॉइल इज ड्राई, इफ सॉइल इज ड्राई, ठीक है, देन बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज इक्वल टू ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो, ये जो वेट है, ये जो यहाँ पर W हमने लिखा है, ये W किसके इक्वल है, ये W है वेट ऑफ वाटर या फिर और वेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने बोला ड्राई कंडीशन है, ड्राई कंडीशन में हमारा जो वेट होगा, टोटल वेट जो होगा ड्राई कंडीशन में, वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सॉलिड के बराबर होगा। तो हम गामा बल्क इज इक्वल्स टू गामा डी लिखेंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग कंडीशन कैसी है, ड्राई है। ठीक है, एंड वेट ऑफ ड्राई सॉइल किसके इक्वल है, वेट ऑफ सॉलिड्स के डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं रिलेशन को। ठीक है, नेक्स्ट हमारी टर्म आती है सैचुरेटेड यूनिट वेट, थर्ड टाइप का जो यूनिट वेट है, सी टाइप का, दैट इज सैचुरेटेड यूनिट वेट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा सेट से या फिर रॉ सैचुरेटेड। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन सैचुरेटेड कंडीशन। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि जितने भी वॉइड्स हैं वो किससे फिल्ड है, वाटर से। इन सैचुरेटेड कंडीशन इज टर्म्ड एज सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ
द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, तो हमारा जो सैचुरेटेड कंडीशन में है वो बल्क यूनिट वेट किसके बराबर होगा? सैचुरेटेड यूनिट वेट के। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? गामा सैचुरेटेड इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉइल इन सैचुरेटेड कंडीशन, सैचुरेटेड वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा वेट सैचुरेटेड वेट हो गया, या इसको डेंसिटी की टर्म में हम रिप्रेजेंट करें तो गामा सैचुरेटेड इज इक्वल्स टू सैचुरेटेड मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, एंड व्हेन सॉइल इज इन सैचुरेटेड कंडीशन गामा बल्क इज इक्वल्स टू गामा सैचुरेटेड, और वो किसके इक्वल है? वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया सैचुरेटेड यूनिट वेट। नेक्स्ट टर्म जो हमारी है वो है हमारी, नेक्स्ट टाइप का यूनिट वेट जो है वो है सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड यूनिट वेट, अब ये प्रिंसिपल ऑफ सबमर्जेंस आप पढ़ते हैं एक एफ एम में, इसको गामा डैश या फिर गामा सबमर्ज इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबमर्जेंस का एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप पढ़ते हैं एफ एम में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, और वहाँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको क्या बताता है कि अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी इन अ फ्लूइड सबमर्ज है तो उसका जो नेट वेट होगा वो किसके इक्वल होगा? उसका जो नेट वेट होगा वो इक्वल होगा जितना वाटर उसने रिप्लेस किया है, क्योंकि जब भी बॉडी सबमर्जेंस कंडीशन में होगी तो उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बायोंट फोर्स काम करेगा, फोर्स ऑफ बायोंसी, जिसकी वजह से जो नेट वेट है बॉडी का वो रिड्यूस हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम कंसिडर करें, जैसे हमारा ये सॉइल पार्टिकल है और ये जो है सबमर्ज कंडीशन में है, ठीक है, तो इसका जो टोटल वेट होगा डब्ल्यू सबमर्ज वो किसके इक्वल होगा? इसका जो सैचुरेटेड वेट है डब्ल्यू सैचुरेटेड माइनस जो बायोंट फोर्स होगा, ठीक है, क्या है? बायोंट फोर्स, ठीक है, एंड बायोंट फोर्स किसके बराबर होता है? जितना वाटर ये डिस्प्लेस करेगा डब्ल्यू सैचुरेटेड माइनस, जैसे वी इसने वॉल्यूम का इसको डिस्प्लेस किया है तो वेट क्या हो जाएगा? वी इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डब्ल्यू सबमर्ज क्या आ गया? डब्ल्यू सैचुरेटेड माइनस वी गामा डब्ल्यू, मतलब आपका जो नेट फोर्स नेट वेट होगा इसका वो रिड्यूस हो जाएगा इन सबमर्जेंस कंडीशन। कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन सबमर्जेंस कंडीशन, सबमर्जेंस कंडीशन। ठीक है, अब किस तरीके से गामा सैचुरेटेड को हम डिफाइन करेंगे, गामा सबमर्ज को हम डिफाइन करेंगे? डब्ल्यू सबमर्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एंड डब्ल्यू सबमर्ज को हमने क्या लिखा है? डब्ल्यू सबमर्ज को हमने लिखा है डब्ल्यू सैचुरेटेड माइनस वी गामा डब्ल्यू अपॉन वी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? गामा सबमर्ज इज इक्वल्स टू डब्ल्यू सैचुरेटेड अपॉन वी, क्या होगा? डब्ल्यू सैचुरेटेड अपॉन वी अपन ने अभी डिफाइन किया, देखो ये गामा सैचुरेटेड के बराबर हो जाएगा, ठीक है, माइनस गामा डब्ल्यू। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाता है कि आपका सबमर्ज यूनिट वेट जो है वो डिफरेंस होगा सैचुरेटेड यूनिट वेट एंड वेट यूनिट वेट ऑफ वाटर, और यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है? 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हाँ, ये चीज़ भी नोट डाउन कर लो आप, गामा की जो यूनिट होगी वो रहेगी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और जो ड्रॉ की यूनिट रहेगी दैट विल बी किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
या फिर ग्राम पर सीसी बोल सकते हो आप इसको, और इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब रहे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी यूनिट्स रहेगी। ये आपको समझ में आ गया? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना है ना। अब देखो, ये तो बात हो गई हमारे चार तरह के यूनिट वेट की। एक और यूनिट वेट आता है यहाँ पर हमारा, दैट इज़ फिफ्थ टाइप का यूनिट वेट है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे गामा एस से। ठीक है, क्या मतलब है इसका? देखो, जैसा कि हमने लिखा ही है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, तो इसको क्या लिखेंगे? इट इज़ द रेशो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड्स, क्या मतलब है, डब्ल्यू एस टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स दैट इज वी एस प्रेजेंट इन द सॉइल मास। ठीक है, मतलब आप गामा एस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाय वी एस। ठीक है, यह आपका हो गया यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। तो पांच तरीके के यूनिट वेट हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिए हैं अभी तक। ठीक है, पांच तरीके के यूनिट वेट हमने डिफाइन कर लिए यहाँ पे। ये वाला जो यूनिट वेट है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पर जो हमारा नेट वेट एक्ट कर रहा होगा वो कंपेयर टू बाकी जो सब, जैसे सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड में से अपन ने माइनस किया वी गामा डब्ल्यू को। क्यों? ये वी गामा डब्ल्यू क्या है? ये बायोन्ट फोर्स है जो कि सबमर्जेंस कंडीशन में वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। और ये बायोन्ट फोर्स की वैल्यू हमने कैसे निकाली है? ये निकाली है हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स में ये प्रिंसिपल हम लोग पढ़ते हैं कि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल्स टू सबमर्ज वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये बात हमने कर ली। अब देखो, कंपेयर कर सकते हैं क्या इनको हम? अगर सारे यूनिट वेट्स का हमें कंपैरिजन करना हो, वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पर देखो, नोट पॉइंट आप डालो एक, क्या लिखो, नोट लिखो, मतलब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहली चीज़ तो क्या है कि जब आप देखेंगे वैल्यूज़ को, तो गामा सबमर्ज या गामा डैश ये जो है अप्रॉक्सीमेटली हाफ होता है गामा सैचुरेटेड का। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका गामा एस यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स ये बड़ा रहता है गामा डी से। क्यों? देखो, गामा एस को हमने क्या लिखा था? वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय गामा एस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना। और गामा डी को हमने क्या लिखा था? वेट ऑफ सॉलिड्स या वेट ड्राई यूनिट वेट, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो देखो, आपकी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और टोटल वॉल्यूम में से कौन बड़ा होगा? टोटल वॉल्यूम। अगर आप सेम अमाउंट को एक बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यही चीज़ आएगी ना। तो पहला नोट पॉइंट तो हमारा क्या हो गया कि हमारा जो यूनिट वेट है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, वो ज़्यादा होगा, सॉरी अप्रॉक्सीमेटली हाफ होगा। दूसरा हमारा पॉइंट हो गया कि गामा एस गामा डी से बड़ा क्यों होगा। ठीक है, तीसरी चीज़, तीसरा नोट पॉइंट जो है उसमें हमें कंपेयर करना है। तो देखो, यूनिट वेट्स को कई बार अरेंज करने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है, तो किस तरीके से आप इनको अरेंज करेंगे? तो ये इनका सीक्वेंस रहता है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, गामा बल्क, फिर गामा डी एंड फिर गामा सैचुरेटेड। तो ये तीन पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ये तीन पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं इन रिस्पेक्ट टू यूनिट वेट। नेक्स्ट हम अपनी क्वांटिटी पे मूव करते हैं या नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, जी से इसको हम डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से स्पेसिफिक ग्रेविटी को।
अब स्पेसिफिक ग्रेविटी में भी हमने दो टाइप की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइन की है। तो इसमें पहले टाइप की स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें, ए टाइप, दैट इज ट्रू स्पेसिफिक, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसको और बोलते हैं हम एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी एम से, ठीक है। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको हम बोलते हैं। इसको डिफाइन किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ, इट इज़ द रेशियो ऑफ यूनिट वेट, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन ड्राई स्टेट टू यूनिट वेट ऑफ, यूनिट वेट ऑफ वाटर कीपिंग द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, कीपिंग द वॉल्यूम ऑफ सॉइल कॉन्स्टेंट। सॉरी, वापस से डिफाइन करते हैं इसको। वॉटर वेयर द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, या आप क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ऑफ सॉइल इन ड्राई स्टेट टू यूनिट ऑफ वॉटर हैविंग द सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम। नोट डाउन करो इसको जल्दी से। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम दो टाइप्स में डिफाइन करेंगे। जैसे हमने यूनिट वेट को डिफाइन किया था, चार पांच टाइप के यूनिट वेट हमने पढ़े, उसी टाइप से स्पेसिफिक ग्रेविटी दो टाइप की होती है। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो ये क्या होती है बेसिकली, स्पेसिफिक ग्रेविटी के थ्रू हम लोग क्या कंपेयर कर रहे होते हैं कि कोई भी जो सॉलिड है, ठीक है, वो वाटर के कंपेरिजन में कितना हैवी है, ठीक है, कितना डेंस है, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एक क्या है, रेशियो होता है यूनिट वेट्स का, यूनिट वेट्स का रेशियो होता है। और कौन से यूनिट वेट्स का रेशियो ले रहे हैं हम लोग जैसे हम ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, टू यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हम यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स ले रहे हैं, और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स को हमने कैसे डिफाइन किया था कि ये वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। मतलब ये एक तरीके से एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है जो कि चेंज होने की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि वेट ऑफ किसी भी एक पर्टिकुलर सॉइल मास में वेट और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर हमने क्या डिफाइन की है, ट्रू या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। अब ये रेशियो क्या बता रहा है, देखो डिफाइन कर लेते हैं अपन। इट इज़ द रेशियो ऑफ, इट इज़ द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, यूनिट
वेट ऑफ सॉलिड्स दैट इज गामा एस, ठीक है, टू यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर जिसको हम बोलते हैं गामा डब्ल्यू, हैविंग द सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम मतलब यहाँ पर जो हमारी सॉलिड्स की वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल रहेगी, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस तरीके से, देखो जी एम इज इक्वल्स टू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है, हैविंग हैविंग वी एस इज इक्वल्स टू वी डब्ल्यू, ठीक है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखो गामा एस को हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, एंड गामा डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो जी एम क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एस अपॉन वी एस इन टू वी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डब्ल्यू, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। और हमने यहाँ क्या लिखा है कि वी एस इज इक्वल्स टू वी डब्ल्यू है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू एस अपॉन डब्ल्यू डब्ल्यू, मतलब ये बेसिकली इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, फाइनल रिप्रेजेंटेशन ये रहेगा हमारा, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली ट्रू या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी की। अब ट्रू या एब्सोल्यूट बोलने का मतलब क्या था, कि हमारा गामा एस जो है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल के लिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, इनवेरिएबल रहता है, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपेरेंट अपेरेंट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन रहता है जी एस, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे अपन, डिफाइन करते हैं इसको, इट इज द रेशियो ऑफ, लिखो इट इज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन, एग्जिस्टिंग कंडीशन दैट इज बल्क यूनिट वेट। एग्जिस्टिंग कंडीशन में जो यूनिट वेट होता है उसको क्या बोलते हैं, बल्क यूनिट वेट। टू यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर हैविंग द सेम वॉल्यूम एज सॉइल, मतलब किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट की जो सॉइल है उसकी जितनी वॉल्यूम है उतनी ही वॉल्यूम का वाटर अगर हम लेते हैं तो दोनों के यूनिट वेट का जो रेशियो होगा बल्क सिचुएशन में, ठीक है, गामा बी अपॉन गामा डब्ल्यू, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। और हमने अभी देखा था कि जो गामा एस होता है वो बड़ा होता है गामा बी से, तो हमारी जो जी एम होगी वो ज़्यादा रहेगी किससे, जी एस से, ठीक है। ये बात हो गई हमारी कि ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, अपेरेंट या मास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, कैसे ये डिफरेंट है, ठीक है। अब इन दोनों में से भी ज़्यादा जो सिग्निफिकेंस रहेगा, ठीक है, वो किसका रहेगा, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी का। नोट डाउन करो, नोट लिखो, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज जी एम इज मोर सिग्निफिकेंट देन अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी जी एस। क्यों भाई, क्योंकि सिंस
इन जी एम मतलब ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन जी एम गामा एस इज कंसिडर्ड, इज गामा एस मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इज कंसिडर्ड विच इज मोर सिग्निफिकेंट देन गामा बी कंसिडर्ड इन जी एस. मतलब गामा बी चेंज होगा, जैसे अगर ड्राई सॉइल है तो गामा बी इज इक्वल्स टू गामा डी, और अगर हमारी सैचुरेटेड सॉइल है तो गामा बी विल बी इक्वल टू गामा सैचुरेटेड. तो ये तो चेंज हो रहा है, लेकिन क्या गामा एस चेंज होगा? गामा एस विल रिमेन अनचेंज्ड फॉर ड्राई सॉइल, फॉर सैचुरेटेड सॉइल. ठीक है, इसीलिए ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्वांटिटी है कंपेयर टू अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी. ठीक है, अगर हम बात करें रेंज की, तो फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.7. ठीक है, एंड इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं 2.65. ठीक है, और अगर हम बात करें 2.4 to 2.7 है ना, एंड फॉर ऑर्गेनिक सॉइल जी क्या है, जी रिमेन्स फ्रॉम 1.2 to 1.4. ठीक है, ये वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पर लेते हैं. ठीक है, और 1.1 to 1.4 और इसको अप्रॉक्सीमेटली 1.2 हम लोग कंसिडर करते हैं. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक सॉइल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी कंपेयर टू इनऑर्गेनिक सॉइल कम है, मतलब जो ऑर्गेनिक सॉइल्स हैं वो लाइट इन वेट है कंपेयर टू ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉइल्स के. तो हम क्या बोलेंगे, एक और नोट पॉइंट यहाँ पर लिखो आप, विद इंक्रीज इन मिनरल कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल विद इंक्रीज इन मिनरल कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेज. ओके, ये हमारा एक पॉइंट हो गया, मतलब ये हमारी बात हो गई पूरी यूनिट वेट्स एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में. अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं. ठीक है, जैसे कि हमारा जो वॉइड रेशियो था, नोट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जनरल पॉइंट्स हैं. ठीक है, एक चीज़ और स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम पढ़ते हैं कि इंडिया में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली जाती है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाली जाती है. ठीक है, इन इंडिया स्पेसिफिक ग्रेविटी is determined at 27 degree centigrade. ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, टेम्परेचर के साथ चेंज होगी, क्योंकि यूनिट वेट टेम्परेचर के साथ चेंज होगा. तो हमें अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, जैसे हमें किसी T डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू गामा डिवाइडेड बाय गामा एट टी डिग्री सेंटीग्रेड. गामा एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय गामा एट टी डिग्री सेंटीग्रेड. इस तरीके से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, फिर यहाँ पर बात आती है, हाँ ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल यहाँ पर फिनिश हो जाती है. कितनी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी, स्टार्टिंग में हमने वाटर कंटेंट पढ़ा, देन वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, ठीक है, फिर हमने पढ़ा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, फिर हमने एयर कंटेंट पढ़ा, फिर हमने परसेंटेज एयर वॉइड पढ़े, उसके बाद हमने यूनिट वेट पढ़ा. यूनिट वेट में हमने 4-5 टाइप के यूनिट वेट पढ़े, कौन सा, बल्क यूनिट वेट पढ़ा, ड्राई यूनिट वेट पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सैचुरेटेड यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, एंड लास्ट हमने पढ़ा था यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, यहाँ हमने एक चीज़ देखी थी कि
जो यूनिट वेट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेंसिटी की फॉर्म में भी, ठीक है। और जो हमारा यूनिट वेट होता है वो बल्क यूनिट वेट, अगर हमारी सॉइल ड्राई है तो हमारा बल्क यूनिट वेट ड्राई यूनिट वेट के बराबर होगा, अगर हमारी सॉइल सैचुरेटेड है तो बल्क यूनिट वेट किसके बराबर होगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट के बराबर, ठीक है। सिमिलरली हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी की जब बात की तो हमने दो टाइप की स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर डिफाइन की है, ट्रू या एब्सोल्यूट, जिसको हमने जीएम से रिप्रेजेंट किया है, और दूसरी है अपेरेंट। दोनों में फ़र्क क्या है, एक में हमने कंसिडर किया है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स और दूसरे में हमने कंसिडर किया है यूनिट वेट ऑफ बल्क यूनिट वेट, ठीक है। तो दोनों में से मोर सिग्निफिकेंट कौन सा हुआ, दोनों में से मोर सिग्निफिकेंट हुआ ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स अनचेंज रहेगा एक पर्टिकुलर सॉइल मास के लिए, ठीक है। इस तरीके से हमने सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बीच में बताते रहूँगी, जैसे कि हमारा जो वॉइड रेशियो रहता है वो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ज़्यादा रहता है, ठीक है, कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है। इसी तरीके से हमने बाकी सारी चीज़ें तो बात कर ही ली थी, क्या रिलेशन होता है इनके बीच में, होपफुली समझ में आ गया होगा, अदरवाइज रिपीट द लेक्चर, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो पूरी सॉइल में कुछ समझ नहीं आएगा, सब कुछ यहाँ से चलेगा। आगे हम बात करेंगे कॉम्पैक्शन में कि जो हमारा ड्राई यूनिट वेट है वो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये वॉइड रेशो से किस तरीके से रिलेटेड है कि जितना ज़्यादा वॉइड रेशो होगा हमारा ड्राई यूनिट वेट उतना कम होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं से पता चलेगी। आपको जब पता होगा कि यूनिट वेट क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, वॉइड रेशो क्या होता है, तभी तो आप आगे बात कर पाओगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इंटर रिलेशनशिप्स को।